सर अभी ये क्या चल रहा है? अभी ये वो बता रहे हैं उन्हें कि अब वो क्या करें, कंप्यूटर पे क्या एंटर करें? कोई मसला मसाइल है तो? नहीं, कोई सर मसला मसाइल नहीं है, बड़ी ऐसे सुकून है। खाने का इंतजाम? खाना सर जो पिछड़ नहीं आता फिर हमारा साहब खाना दे देते। भाई जान मेरे आईडी कार्ड गुम हो गया इधर शेखजाद में, इसके पेपर लगवा देना। वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने उसको सलूशन देना है, और कुछ चीज़ें हैं जिनको उसने 3 दिन के अंदर अंदर साहिल को जवाब देना है। ये कैमरे किस लिए लगे? ये कहाँ के कैमरे हैं? पे एक बंदा आया था, उसने शिकायत की उसका आईडी कार्ड गुमा था, बाकी मॉडल थाने में दिखाने को क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बख्त पुलिस लॉक के साथ। पहले कभी हमारे जहन में जब थाने का नाम आता था तो हमारे जहन में खौफ और दहशत की अलामत भी आ जाती थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ पंजाब बिलखसूस लाहौर पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आज हम मौजूद हैं मुस्लिम टाउन मॉडल पुलिस स्टेशन में, और आज हम देखेंगे कि किस तरह आईजी पंजाब के विजन के ऐन मुताबिक लाहौर पुलिस काम कर रही है। आइए देखें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक मॉडल पुलिस स्टेशन मुस्लिम टाउन में, और आज हम देखेंगे कि SHO साहब से और पूछेंगे भी कि किस तरह ये पुलिस स्टेशन मॉडल पुलिस स्टेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा कि हम इस वक्त मौजूद हैं एक मॉडल पुलिस स्टेशन में, ये किस तरह मॉडल पुलिस स्टेशन है और इसकी क्या वर्किंग है, ये आप हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के कुछ पुलिस स्टेशन मॉडल डिक्लेयर हैं, कुछ सुपर मॉडल डिक्लेयर हैं, तो ये चूँकि मॉडल थाना है, मॉडल थाना इस सेंस में कि यहाँ पे हर सहूलत आवाम को बेसिक बुनियाद पे मिलती है। यहाँ पे जो भी साहिल आता है फ्रंट डेस्क की रसाई है, ऑप्स रूम इधर मौजूद है, और बेसिक जो भी नीड्स हैं इधर हमारा ड्यूटी ऑफिसर बैठता है, जो भी उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं सहूलियात हैं वो इनको इधर प्रोवाइड की जाती है मौके पर, तो इसलिए ये मॉडल डिक्लेयर है। अच्छा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमें प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस तरह आवाम को सर्विस डिलीवरी करें। आइए मेरे सर। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये पुलिस स्टेशन मॉडल पुलिस स्टेशन और किस तरह अमली तौर पर आवाम को सहूलियात दी जा रही है। आइए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रंट डेस्क में, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, उसके अलावा फ्रंट डेस्क के ऑफिशियल मौजूद हैं, या हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किस उनका क्या मसला है और वो किस लिए यहाँ पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुझे बताइए आप किस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं? मेरा ना आईडी कार्ड गुम हो गया था, उसकी रिपोर्ट लिखवाने हैं। तो आपने रिपोर्ट अपनी दर्ज करवा दी? हाँ, अभी करवाने लगे। चलें आएँ शुरू करें। देख नाज़रीन, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि किस तरह ये हमारे पास मॉडल थाना काम करता है। भाई जान मेरे आईडी कार्ड गुम हो गया इधर शेखजाद में, इसकी रिपोर्ट लिखवा देंगे। आईडी कार्ड की कॉपी है आपके पास? नहीं, वो नहीं। असल आईडी कार्ड नंबर याद है? हाँ वो याद है। बताएँ सर अभी ये क्या चल रहा है? अभी ये वो बता रहे हैं उन्हें कि अब वो क्या करें, कंप्यूटर पे क्या एंटर कर रहे हैं उनके आईडी कार्ड को? उनका आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उनकी कंप्लेन लिखेंगे, कंप्लेन लिखने के बाद उनको गुमशुदगी की रिपोर्ट बना कर देंगे, उस पर थाने की स्टैंप करेंगे और साहब को। अच्छा फिर इस पर प्रोसेस कितने अर्से में होगा? ये भी 2-4 मिनट में हो जाएगा। दो चार मिनट। अच्छा मुझे बताइएगा, पहले तो बड़ा मुश्किल होता था कि दरख्वास्तों पर अमल नहीं होता, दरख्वास्तें पड़ी रहती थी, अभी फ्रंट डेस्क के आने से क्या फ़ायदा हो रहा है? जी फ्रंट डेस्क से आने से बहुत सारे मसाइल, जो जिनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, किसी की गुमशुदगी की रपट है, किसी की दीगर कोई रपट है, वो इनको बड़ी इधर से असिस्ट करते हैं ये फ्रंट डेस्क वाले, जो अमला बना हुआ है, ये जो एक अलहदा से एक बना हुआ सेटअप लगा हुआ है। सेकेंडली ये है कि अगर किसी को एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, साहिल आ जाता है इधर आके बैठ जाता है, तो यहाँ पर खुद ही उनकी दरख्वास्त भी लिख ली जाती है, दरख्वास्त लिख के उसको टाइप करके उसको नंबर लगा के और इनको स्लिप दे दी जाती है, कोई ना कोई तफ्तीशी साइन कर दिया जाता है कि जी, वो मामले जी वो जो स्लिप होती है उस पर बना होता है सारा, आईडी कार्ड का इनका नंबर लिखा होता है, उसके अलावा जो आईओ है उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर, उसका नंबर, इनकी एप्लीकेशन का ई टैग नंबर उसको बोलते हैं। और मेरे ख्याल से वो बाउंड भी होता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर उसने एक्ट करना है। जी जी वो बिल्कुल बाउंड है वो कुछ चीज़ों में, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने उसको सोल्यूशन देना है, और कुछ चीज़ें हैं जिनको उसने 3 दिन के अंदर अंदर साहिल को जवाब देना है पॉजिटिव, या जो भी उसका कोई बनता है उसका मसला हल करके उसको बताना होता है, 3 दिन के अंदर उसकी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। अच्छा अख्तर साहब, ये तो हो गया ना, हमारा फ्रंट डेस्क पे एक बंदा आया था, उसने शिकायत की उसका आईडी कार्ड गुमा था, बाकी मॉडल थाने में दिखाने को क्या है? आइए मुझे दिखाइए। मॉडल का कमरा मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा वैसे मेरे ख्याल में चूंकि अब हमारे पास फ्रंट डेस्क आ गया, तो प्रैक्टिकली ये जो मुहर्रर है और रजिस्टर है, क्योंकि सारा आपका रिकॉर्ड तो हो गया डिजिटलाइज, अब उसकी ज़रूरत तो मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं होगी।
नहीं, उसमें कुछ चीज़ें अभी भी मुहर के करने वाली हैं, जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ लगती हैं, दीगर कोई प्रिंटेड प्रोग्राम आता है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मुहर के सुनने वाली होती हैं, मुहर फिर उनको करके फिर आगे फ्रंट डेस्क पर लेके जाता है। अच्छा अक्सर साहब, बताइएगा कि मुझे अभी हमारे जो मुहर हैं उनकी वर्किंग के बारे में बताइएगा कि अब चूंकि हर चीज़ डिजिटलाइज है, आपसे जिस तरह आपने बताया कि अभी भी कुछ करने को है, लेकिन मज़ीद मुझे बताएं कि अब फर्दर ये क्या कर रहे होते हैं, इनकी डेली की रूटीन क्या होती है? फर्दर ये कि जिस तरह की ड्यूटियाँ लॉ एंड ऑर्डर की निकालनी होती हैं, लगानी होती हैं, तो वो सारा ये ड्यूटी चार्ट इधर बनाते हैं, बना के उधर ऑफिस रूम से रवानियाँ होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी इनके करने वाली हैं, जिस तरह कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रोग्राम आ गया उसको मेनटेन कर रहे हैं, उनको बताना है किधर किधर इनकी ड्यूटियाँ लगी हैं, फिर वो सारा बना के समझा के उनको फिर रवानगी वगैरह उधर से ही होती है फ्रंट डेस्क से। ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं अभी भी करने वाले मुहर्रक के एंड पे, कि कुछ चीज़ें उधर चूँकि वो नहीं समझते फील्ड की चीज़ों को, कुछ अभी नया सिस्टम है, तो इसलिए फिर मुहर्रक कोई ना कोई गाइडलाइन उनसे मिल जाती है, बिल्कुल उनको गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए मुहर्रक का अभी भी काम बाकी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे देखने में ये कुछ LT सेट पड़े नज़र आ रहे हैं, इसकी अब इस LT सेट की और पुराने वाले LT सेट की क्या खसूसियात है? मतलब पहले जो सेट था वो मेरे ख्याल से एक वायरलेस सेट था, इसकी क्या कितना असिस्टिव टूल है और ये और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये मॉडर्न है। उसमें सिर्फ जस्ट कॉल हो सकती थी, कॉल हमने की, अपना चैनल लगाया, डिवीज़न लगाया, उस पर कॉल कर दी। अब इसमें बहुत सारी सहूलियात हैं, जिस पर हम ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मुलाजा मौका कर सकते हैं, लाइव तस्वीरें शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके चैनल को वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत जदीद है उससे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो IC3 की तरफ से ये आपको मिला है LT सेट, इसकी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फवायद मौजूद हैं, जो फील्ड में ड्यूटीज़ आसान हुई हैं, क्योंकि हर जगह कैमरे मौजूद नहीं हैं। समटाइम्स आप जहाँ पे जाते हैं, अगर कोई सीनियर अफसरान पूछ लेते हैं कि वहाँ पे क्या मौका है, सूरत हाल है, तो आप वीडियो कॉल लाइव स्ट्रीमिंग में उन्हें बता सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और हम पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। और PPIC3 अगर कोई हीनियस या कोई समझते हैं कि कोई ज़रूरी है मामला, तो उसमें वो हमें तस्वीरें भी इसमें सेंड कर देते हैं हमारे LED से, ताकि आपके लिए कुछ ना कुछ असिस्टिव टूल हेल्प हो जाए। फिर हम उसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या मामला है, तस्वीरें हमें उधर से सेंड कर देते हैं, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ मुफ़ल्लिल भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अब उनका काम कितना डिफरेंट हो चुका है फ्रंट डेस्क के आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए कि काम आसान हो गया है, कोई सहूलत मिली है? आसान तो काफ़ी हो गया, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करना, रजिस्टर हाई की तकमील करना मुहर्रक का काम है और मुहर्रक ही करता है। उसके अलावा कुछ बताएं कि आपकी डेली रूटीन्स में कौन कौन सी ड्यूटियाँ हैं लॉ एंड ऑर्डर के अलावा? ड्यूटियाँ तो बहुत सारी हैं मुहर्रक की जिम्मेदारी, रजिस्टर वगैरह की तकमील करना, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करना और उसको लगाना। ये तो हमारे साथ थे आलम साहब, मुहर्रक मॉडल थाने के, और अभी हम चलते हैं देखते हैं SHO साहब के साथ कि बाकी के जो पोर्शन हैं हमारे मॉडल थाने के किस तरह के होते हैं, आइए चलते हैं। अच्छा अख्तर साहब, मुझे बताइएगा कि हमारे पास मॉडल थाने में दिखाने के लिए ये पीछे लॉकअप नज़र आ रहे हैं, और इसमें क्या सीन है, ये मॉडल थाने के लॉकअप कैसे होते हैं ये बताइएगा जी। मॉडल थाने का लॉकअप जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा लॉकअप है, इसमें हमने सहूलतें दे रखी हैं, पंखे लगे हुए हैं, एक एयर कूलर आपको नज़र आ रहा है, सामने साफ़ सुथरा, सफाई बहुत अच्छी है, नीचे चटाइयाँ वगैरह हमने दी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अंदर ही अटैच बाथ है। मेरा नाम किस जुर्म चल चोरी का केस वॉशरूम वगैरह हाँ जी हर चीज़ें गई है साफ सुथरा। नाज़रीन देखिए, आप खुद मुलाहिज़ा कीजिए कि यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर रूम है, एक अलहदा से कूलर भी लगा के दिया गया हुआ है, पंखा मौजूद है, साथ एक वॉशरूम अटैच है, और वो उनसे पूछा है और उन्होंने बताया कि समटाइम अगर उनके घर से खाना मजबूरी के तहत नहीं आ पाता तो यहाँ पे थाने वाले खुद एक जो हमारे पास कम्युनिटी पुलिसिंग है, सर्विस डिलीवरी है लोगों की सहूलियात का, जो एक VN IG पंजाब का, उसके अहम मुताबिक यहाँ पे उसको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये शायद जिम्मेदारी भी थाने की बन जाती है अगर वो मुलज़म, क्योंकि जो हमारी नफरत है वो जुर्म से है और इंसान से नहीं है, उसका ये अमली एक हमारे पास बोलता सबूत है। नाज़रीन, अभी हमने देखा कि हमारे पास एक मुलज़िम मौजूद है, जो भी उसका जुर्म है, लेकिन इस चीज़ को बलाए ताक रखे उसे हर तरह की सहूलियात दी जा रही है, इवन दो उसका अगर खाना भी घर से नहीं आता तो पुलिस वाले उसे अपने तौर पे खाना भी खिलाते हैं, क्योंकि यही हमारे पास कम्युनिटी पॉलिसिंग का ये उसकी अमल पर रहा है अमली तौर पर। अच्छा, मुझे बताइए अख्तर साहब, मज़ीद दिखाने को क्या है हमारे पास? हमारे पास इधर मॉडर्न पुलिस स्टेशन में
मालखाना है, उसके बाद हमारा जो ड्यूटी अफसर है उसका कमरा है। ड्यूटी अफसर का क्या काम होता है? ड्यूटी अफसर का काम है जी, वो उधर ऐसे चूँकि गैर मौजूदगी में वो उधर अवेलेबल होता है, अगर कोई अर्जेंट मैटर आता है किसी के जल्दी करने वाला काम है तो वो फिर ड्यूटी अफसर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर आके देखता है, करता है, उसका मसला हल करता है। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं ड्यूटी अफसर के रूम में और देखते हैं कि ड्यूटी अफसर का मॉडल थाने में क्या काम होता है। सर, आपकी क्या ड्यूटी है ड्यूटी अफसर के रूम में? ड्यूटी अफसर की ड्यूटी में ये है, मेरी ड्यूटी में शामिल है, सैल आता है उसको फौरी तौर पर मसला उसका मसला सुन के उसका हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 15 की कॉल आती है उसके ऊपर आप ड्यूटी अफसर होते हैं? 15 कॉल आर्डर गाड़ी बाहर मौजूद होती है और जो गाड़ी बाहर थाने से पहुँचता है उसको मैं हल करता हूं। एस एच ओ साहब अगर ना हो तो फिर ड्यूटी अफसर क्या करता है, उसका काम क्या होता है? एस एच ओ साहब सीट पर ना हो, उनकी गैर मौजूदगी में बतौर ड्यूटी है उनके साहब बिजलिया फोन रब्ता करके उनसे इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं, हदायत ले लेते हैं, उस तरह काम करते हैं जी। अक्सर साहब, इतनी फैसिलिटीज़ देख के मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन अभी को मज़ीद कुछ दिखाने के लिए है हमारे पास? जी, इधर हमारे पास ऑप्स रूम मौजूद है, उधर हमारा सारा सेटअप लगा है डिवीज़न लेवल पे, बल्कि कनेक्ट है पूरे डिस्ट्रिक्ट से, उधर भी हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उधर भी कॉल का रिकॉर्ड वगैरह होता है हमारे पास, बैठे हैं लोगों की दरख्वास्तें जो भी आती हैं, अगर उसमें कोई डिले हो रहा है थोड़ा बहुत तो वो उसी वक्त उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और जिस अफसर के पास वो एप्लीकेशन मार्क्ड है उसको फौरी तौर पर कहते हैं कि जी इसको फौरी तौर पर आप निपटाएँ, उसका सलूशन, उसका हल निकालें। सर, ये ऑप्स रूम में क्या क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है? ऑप्स रूम जी, ये एक बड़ा सेटअप है, डिवीज़न लेवल पर भी है और उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। जितनी भी एप्लीकेशन तफ्तीशी अफसरान को मार्क होती हैं उन सब का इधर रिकॉर्ड होता है, उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर कोई एप्लीकेशन किसी वजह से डिले हो रही है तो ऑप्स रूम जो है उसको रिमाइंड करवाता है कि इसको फिल फॉर निपटाएं, इसको जो भी इस पर कार्रवाई बनती है वो करें। अच्छा सर, लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कैमरे लगे हैं, ये कैमरे किस लिए लगे हैं? ये कैमरे हैं जी, ये कैमरे एक तो पूरे थाने के हैं, जितने भी इसमें हवालात में जो कैमरा है, एस एच ओ के रूम में कैमरा है, फ्रंट डेस्क पे जो कैमरा है, और दीगर हमारे थाने के जो बाहर सिक्योरिटी के कैमरा ज़्यादा लगे हैं वो सब का इधर बैकअप मौजूद है हमारे पास। तो जो हवालात में कोई मुलज़म है तो उसको आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि खुदा ना खासा कोई आपस में दो तीन अगर मुलज़म मौजूद हैं तो वो जराइम पेशा लोग हैं, शायद लड़ भी जाते हों, आपस में लड़ते भी हों, वो मसला मसाइल हो, तो मेरे ख्याल से नज़र रखी जाती है उन पर। यस। अच्छा, आगे चलें सर, ये हमारे पास होटल आए चल रहा है, मेरे ख्याल से ये डी आई जी ऑपरेशन लाहौर, ये वही वो जो होटल है जो जितने लोग होटल्स में आते हैं उन पर आप नज़र रखते हैं, तो यहाँ पर अपने डिवीजन लेवल पे ये किस तरह, इसको किस तरह डील करते हैं, बॉल टाउन डिवीजन में किस तरह डील किया जा रहा है? ये जो हमारा एक पूरा एक सेटअप लगा है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है, ये हमारे बैठे हुए हैं लड़के काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो होटल आई है, उसके अलावा जो बस टर्मिनल हैं या टेनेंट जो आते हैं किराएदार, yes. मतलब जो लोग अपने किराएदार रखते हैं उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद होता है, सारा इधर रिकॉर्ड हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है उसका, और ये हर चीज़ हमको नोटिफिकेशन आ जाता है वहाँ पे। आज की तारीख में हमारे पास वो ये टोटल मुलाजम, ये मुलाजमीन को भी रजिस्टर किया जाता है जी, लोग मुलाजम घरों में रखते हैं उनका भी रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद होता है? बिल्कुल होता है। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, होटल आई है, बस टर्मिनल है, किराएदारों का है, इसके अलावा और CMS का है, ये पोटेंसी जो हमारी एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन उनका, वो जो हमारे पास फ्रंट डेस्क की एप्लीकेशन का 24 घंटे में अगर काम नहीं होता तो उसकी पोटेंसी यहाँ पे चेक होती है, yes. ये मार्क करते हैं, पूछते हैं जो मेरे ख्याल से जो ऑफिसर जो मार्क हुआ होगा उसको। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई एप्लीकेशन डिले हो रही किसी वजह से, कोई तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं है या वो किसी ड्यूटी पर है, तो फिर इधर से उसको रिमाइंड करवाया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन फिलहाल पेंडिंग जा रही है, उसको फिल फॉर आपने क्लियर करना है। डिवीजन लेवल पे हर आने जाने वाले शख्स पे नज़र रखी जाती है, जहाँ पे हमारे पास जो होटल्स हैं, हमारे पास कोई भी इस डिवीज़न में हमारे पास अगर कोई बस स्टेशन है तो हमारे पास लोगों ने घरों में जो मुलाजमीन रखे हैं, एक एक बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, उसको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे CRO भी है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर लिया जाता है, ताकि अगर वो क्रिमिनल है तो उसको वहीं पर अप्रीहेंड किया जाए, उसको वहीं पर राउंड अप किया जाए, ताकि हमारे पास जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी हेल्प हो। बहुत शुक्रिया
बहुत अच्छा लगा आपका जो मॉडल थाना है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और बड़ी खुशी हुई है कि आवाम को जो सर्विस डिलीवरी है उस पर पूरी तरह से हमारी लाहौर पुलिस और ख़ास तौर पर ये मुस्लिम टाउन मॉडल पुलिस स्टेशन जो है ये बड़े अच्छे तरीके से अमल दरामद है। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम दिया सर, बड़ा बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू। नाज़रीन ये था आज का हमारा प्रोग्राम पुलिस लॉक और आपने देखा कि कितना अच्छा आवाम दोस्त माहौल आवाम को प्रोवाइड किया जा रहा है और जो सर्विस डिलीवरी और कम्युनिटी पुलिसिंग का जो वादा है आईजी पंजाब का उस पर पंजाब पुलिस बहुत अच्छे तरीके से अमल पर रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर पुलिस लॉक के एक और प्रोग्राम के साथ आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।